हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज मेरा ट्रिप है हल्द्वानी तक का। आज एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है कार में। ये मेरी कार खड़ी है तो इसमें स्ट्रिंग प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा हेल्डिंग चलते चलते गाड़ी में स्ट्रिंग लॉक हो रहा है। तो आज हम यही दिखाने जा रहा हूँ मैं हल्द्वानी। तो आप बने रहिए, आज देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है, इसको आपको दिखाएंगे ज़रूर। बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। तो मैं गाड़ी यहाँ से रिवर्स लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको आज की पूरी वीडियो। थोड़ा रिस्क है यहाँ पर, बस निकल गई। अब चलते हैं, आज का ट्रिप देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रिंग में, थोड़ा ब्लॉक जैसा हो रहा है स्ट्रिंग। ये रुक गया ना जैसे, तो रुकना नहीं चाहिए, इसने अपने आप वापस आना चाहिए, आ नहीं रहा, ये ब्लॉकेज है ये। तो ये क्यों है ये तो भैया हल्द्वानी जाके ही पता लगेगा। तो चलते हैं हल्द्वानी और देखते हैं आज के हालात। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भवाली। अब आज तो मौसम बहुत शांत है, देखते हैं आगे कैसा नज़ारा मिलता है देखने को। यार गाड़ी के स्ट्रिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही, तो आज हम इसी को ठीक कराने जा रहे हैं हल्द्वानी। अभी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर ये दिक्कत है, अभी वहाँ जाके जब चेक होगी गाड़ी उसके बाद हमें पता लगेगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ पर है, मेजर प्रॉब्लम। और जिनके पास डिजायर कार है, मैं तो उनसे कहना चाहूँगा यार आप लोग अपनी गाड़ी में थोड़ा ध्यान दें, कि ये प्रॉब्लम कुछ समय में ही आनी शुरू हो जा रही है। तो मेरे उसमें करीब 2 महीने से प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने चेक कराई गाड़ी, तो पता लगा कि स्ट्रिंग रॉड ख़राब हो रही है इसकी। तो आप लोग के पास अगर डिजायर है तो आप लोग भी ध्यान दें कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको तुरंत ठीक कराएं, अन्यथा कि गाड़ी की जब वारंटी पूरी हो जाएगी तो ये कंपनी का कोई क्लेम नहीं रहेगा, इसमें कोई क्लेम नहीं मिलेगा आपको। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दें इस चीज़ पर। और वैसे आज एक शख्स से मिलाने वाला हूँ, तो मैं अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे हल्द्वानी। अभी तो वैसे हम लोग भवाली है, तो हल्द्वानी पहुँच के दिखाऊँगा और उनसे मिलाऊँगा आपको ज़रूर। तो पहुँच गए हम लोग भीमताल। अब यहाँ से रह गया हल्द्वानी मात्र 20 किलोमीटर लग जाएगा, अभी हमें करीब 40 से 45 मिनट तो लग जाएंगे। निकल गई गड्डी यार, यहाँ पर गाड़ी रोक दी गई है। अब यहाँ से शायद ये वन साइडेड करेंगे ना, अभी वन साइडेड गाड़ी आएंगी, वन साइडेड जाएंगी। हम लोग हैं यहाँ पर करीब 10 मिनट से खड़े हैं यहाँ पर, अभी लगातार जाम लगा हुआ है, देखो अभी कितना समय और लगता है। अभी हमारे एक दोस्त आने वाले हैं खास, जिनको कई लोग यूट्यूब में देखते हैं, तो कौन है वो जो यूट्यूब में आपको मिलते हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो बस कुछ ही पलों का इंतज़ार कर रहे हैं आपने, और आपको ज़रूर मिलाऊँगा अभी कुछ ही पलों में उनसे। और जैसे ही जाम खुलेगा तो हम लोग निकल जाएंगे। आज तो नैनीताल का भी मौसम कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है, किस में यहाँ से निकलते हैं और हल्द्वानी पहुँचना है और स्ट्रिंग का काम कराना है। इस पर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा गाड़ी रुक जा रही है, ये देख रहे हैं आप कंपन, ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो इसको ही ठीक कराना है आज हल्द्वानी जाकर। उसके बाद देखते हैं ये कितना सही है या फिर कितना ख़राब हो रहा है। तो जिस दोस्त की बात कर रहा था अभी हमसे मिलने वाला है, तो मैं दिखाता हूँ आपको, आप काफ़ी लोग तो जानते हैं क्योंकि YouTube में नज़र आते रहता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं वर्मा जी आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। बस सब बढ़िया यार। मैं अगर बात करूं बड़े बड़े यूट्यूबरों की, तो सौरभ जोशी जब बनाता है ब्लॉग अपने, तो मैं देखता हूं यार इसके साथ घूमता कौन है, ये किस दोस्तों को घूमने लेके जाता है। तो 3-4 एक दोस्त भी हैं उसके या भाई हैं जो हैं, आज ऐसे ही अर्जुन भाई मेरे को ले जा रहे हैं। अरे नहीं 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 घूमने को, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मैं अर्जुन भाई के साथ घूम रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों साथ में ही हैं तो दोनों घूम रहे हैं। देखो ये तो समय की बात है कि कौन घुमा रहा है और कौन घूम रहा है। तो अभी तो देखे जाए तो हम तो सिर्फ ये समझिए कि रथ को चला रहे हैं, बाकी जो रथ पे सवार तो वर्मा जी हैं आज। तो ये चलते हैं, गाड़ी ड्राइव कर लेता हूँ, फिर आगे मिलते हैं। तो दोस्तों हम अर्जुन भाई के बारे में बताऊँ, बहुत अच्छा भाई है अपना। मैं कल बीच में मेरे को याद भी आ गई थी, बहुत मैं सोच समय बाद याद आ गई थी, बीच में याद आई थी। मतलब कभी भी मेरे को टेंशन, एक बात मेरे को अर्जुन की बहुत याद आती है, अर्जुन भाई का कॉल आता है, मैं उस वक्त चंदा देवी से हल्द्वानी को आ रहा था, तो अर्जुन भाई का फोन आता है, विजय भाई कैसा है,
तो मैं अपनी टेंशन गिनाने में लग गया, और मेरा ये टेंशन, आज ये कस्टमर ने ये बोल दिया, आज उसने ये बोल दिया, मेरे पैसे मर गए, मेरे को इतना नुकसान हो गया। तो अर्जुन भाई बोलते हैं क्या, चल ठीक है फिर मैं फोन रखता हूँ। मैंने कहा ये क्या हुआ यार। फिर मैंने दोबारा फोन किया अर्जुन भाई, अर्जुन कह रहे विजय मैं टेंशन में था, तेरी टेंशन सुन के मेरे को अपनी टेंशन छोटी लगने लगी। मैंने कहा मेरी टेंशन में कोई उत्तर ढूंढ रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने अर्जुन भाई से कहा, मैंने कहा यार अब मेरी टेंशन कुछ टेंशन नहीं है अर्जुन भाई, तब जाके मैं संभला। मैं हम गाड़ी लेने जा रहे हैं अर्जुन भाई, और हम देखने जा रहे हैं मारुति सुजुकी की शोरूम में, तो एक बोल रहा था मुझसे कि तो अपने गाड़ी में ये लिखाना, जलो मत बराबरी करो। मैंने कहा ना मैं ये नहीं लिखाऊंगा। तो उसने कहा क्या लिखाएगा, मैंने कहा मैं लिखाऊंगा नाचती है दुनिया नचाने वाला चाहिए। ऐसा हम लोग कुछ लिखाएंगे नहीं गाड़ी में, क्योंकि ना कोई जलता है ना कोई जलाता है, दुनिया बात उसी करती है, दुनिया बात उसकी करती है, याद रखना दोस्तों जो तरक्की करता है सिर्फ याद है। या वो लिखा देंगे क्या, मैं तो ऐसे ही चलूंगा जो करना है कर ले। मैं तो ऐसे ही चलूंगा जो करना है कर ले, कर लो हम तो ऐसे ही चलेगा। हम ऐसे शब्द भी नहीं लिखाएंगे, हम कुछ यूनिक लिखाएंगे उस पे, और क्या लिखाएंगे देखेंगे क्या लिखाएंगे। और आपको एक बात बता दूं, अभी हम लोग टोयोटा शोरूम जाएंगे इसके बाद, और देखते हैं कौन सी गाड़ी टोयोटा शोरूम की हम लोग लेते हैं और ले पाते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग मारुति सुजुकी जा रहे हैं, और जल्दी वो गाड़ी आपको कौन सी आने वाली है वो हम दिखाएंगे अगली वीडियो में, अगली वीडियो में। हाँ, हो सकता है जल्दी आ जाएगी गाड़ी, बहुत जल्दी। और विजय भाई गाड़ी देख के आए हम लोग, अच्छा लगा, थोड़ा खुशी भी हो रही है। और गाड़ी किस दिन आती है वो आपको हम जल्दी बताएंगे, और किस दिन लेंगे वैसे अभी हमने सोच लिया है, लेकिन उस दिन का ब्लॉग एक अलग रहेगा, और क्या पता आगे पीछे हो गई तो हम लोग देखेंगे। वैसे विजय भाई आपके क्या कहना है? इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि वो कहते हैं ना 10x10 की खोली से शुरुआत करना और उसके बाद ऊँचाई तक। मैं जब ऑल्टो गाड़ी ले रहा था उस दिन मेरे पास एक रुपया भी नहीं था, और आज कसम से वो गाड़ी पूरी मैंने लोन में ली थी, एक रुपया भी उसमें नहीं था। हाँ। लेकिन आज आर्टिका गाड़ी मैं दिल से कह रहा हूँ मैं ऑन कैश लेने की सोच रहा हूँ, मतलब इस तरीके से बाबा जी की कृपा रही और इस तरीके से प्यार मिला आप सभी भक्तों का। अब मेरे चैनल में आप विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप सभी का प्यार मुझे मिलता है। कोई भी मुसीबत आए ना, मुसीबत में डरे नहीं, उसका सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। हमने तो यार शुरू में ही फटका खाया था 4 लाख का, जब हमने शुरुआत करी थी कर्जा लेकर, तो शुरू में ही हमने 4 लाख का फटका खाया था, बोलते ना शुरू में ही, तो हमारी गाड़ी तो सीधे पहले उसमें गड्ढे में नीचे चली गई। लेकिन हारे नहीं, लोगों ने बहुत तोड़ा कि ये होगा वो होगा ये, लेकिन ऐसा कुछ रहा नहीं, आज सब ओके है। अब दिखाते हैं आपको कि कैसा रहा हमारा सफर। हमारे विमलदा आ गए हैं, विमलदा आपको नमस्कार। नमस्कार, इनका थैंक यू। एक बात कहना चाहूँगा ना, जब हम लोग ऑल्टो लेने आए थे कुछ नहीं था जेब में, तो इन्होंने एक बात बोली थी, अर्जुन भाई आप चिंता मत करो, आप ये बताओ कि आपको गाड़ी कौन सी लेनी है बस। तो विमलदा सच में बता रहा हूँ, आज उस दिन ना हमारे लिए आप प्रेरणादायक बने थे यार, कसम से। और तो गाड़ी हमारी ओके हो चुकी है, और हमारे साथ वर्मा जी भी हैं, तो हम लोग एक बार टेस्ट ड्राइव में जाएंगे, और साथ में हमारे हैं भट्ट जी, बोरा जी यार। बोरा जी, माफ कीजिए बोरा जी, सॉरी मैं आप। तो अब हम लोग जाते हैं टेस्ट ड्राइव में और देखते हैं कि कैसा काम हुआ है। तो जो स्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही है या नहीं आ रही है वही चेक करने हम लोग जा रहे हैं। स्ट्रिंग तो बड़ा, अब तो बड़ा स्मूथ हो रहा है। हाँ एकदम, पहले अटकता था। हाँ तो नहीं, थोड़ा पहले टाइट भी था ये, अभी भी तो रुक रहा है ना, देखना है ये वापस ना। अच्छा यहाँ पर ट्राई करेंगे। हाँ एक बार नीचे को चले। हाँ नीचे को चलो, 2 से 15 RPM होंगे तो स्टीयरिंग फर्स्ट क्लास वापस आएगा। कि कितने से RPM है? हाँ 15 से 2000 RPM होंगे तो आप टर्निंग करेंगे उस कंडीशन में, आपका जितना टर्निंग रेट है सब वो तुरंत वापस। अच्छा ये ऐसे होता है? अरे हाँ वैसे करोगे, ऐसे में नहीं आता है। अरे हाँ धीरे में नहीं आएगा। हाँ तो अब देखते हैं, अब आ जाएगा इतने में, इतने हल्के में नहीं आएगा ना।
जब थोड़ा राउंड लेंगे टर्निंग करेंगे टर्निंग में ही जाएगा। अच्छा अब वैसे लेकिन गाड़ी थोड़ा सा स्मूथ होगी। हाँ चलो बोरा जी थैंक यू। जो फ्रिक्शन था ना वो नहीं है, वो नहीं है तो वो थोड़ा अब अच्छा भी लग रहा है गाड़ी में क्योंकि थोड़ा स्ट्रिंग इसका सही हो गया ना, पहले थोड़ा सा जाम सा चल रहा था। ओके तो यहाँ पर से वापस चलते हैं पंप से घुमा के लाते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल 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 अपने आप यही चीज जरूरी थी। चलो थैंक यू बोरा जी। तो गाड़ी का स्ट्रिंग तो एकदम ओके हो गया है और बोरा जी का धन्यवाद कि इन्होंने ही ये फॉल्ट चेक किया। मैं तो समझ रहा था शायद कोई वैसे फॉल्ट आ गया होगा, तो मैंने बोरा जी से बोला एक बार आप मेरी गाड़ी चेक कीजिए ये प्रॉब्लम आ रही है इस गाड़ी में। तो इन्होंने तुरंत बोल दिया भैया इसकी स्ट्रिंग रॉड खराब हुई थी ना, कॉलम स्ट्रिंग कॉलम खराब हुआ था। हाँ जी अच्छा हाँ तो वो चेंज करा दिया आपने जी। बिल्कुल थैंक यू। और तो अब स्ट्रिंग कॉलम चेंज हो गया है और ये डिजायर में प्रॉब्लम है, ये गाड़ी में डिजायर में ये प्रॉब्लम आ रही है। और वर्मा जी आज बड़े शांत बैठे हैं पीछे और सुबह से साथ में, थैंक यू। मैं ये देख रहा हूँ कि जब हम लोग शुरू में आते थे गाड़ी चेक कराने बोरा जी शांत तरीके से आए खट्टे, आज कह रहे बोरा जी स्ट्रिंग दे रहे हैं, कह रहे अब तुम बोल लो। बोरा जी को इंतजार ही है कम अपना ब्लॉग बनाए कम बोले कम। वर्मा जी के पास नई गाड़ी आने वाली है और उसके बारे में फिर वर्मा जी हमें नई नई वीडियो बनाए के भेज। बिल्कुल 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 उसी का इंतजार है। क्या बात नई गाड़ी का। मैं चाहता हूँ कि तीन सर्विस जो बोरा जी करे अच्छे से करे। तो हमारी नई गाड़ी आने वाली है जल्दी ही, उसी का इंतजार है हमको भी और बोरा जी को भी। क्यों बिल्कुल तो जल्दी हमारी नई गाड़ी आने वाली है। थैंक यू। तो वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ नई वीडियो में।